इन दियर मोड्यूल सो आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं गाइस बट उसके पहले प्लीज इंश्योर दैट आप लोग ने वीडियो को लाइक कर दिया है बिकॉज दस मार्क दिलवा रहा हूं यार आपको चांसेस है देखो मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी बात रेगुलरली होती रहती है बिकॉज अभी काफी सारे लोग एस का एग्जाम दे रहे हैं एंड उनसे मैं जो भी एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूं बहुत तुम लोगों को मैं अभी देने वाला हूँ तुम लोग भी कमेंट में मुझे बता सकते हो कि तुम लोग को कौन सा कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो आई एल डेफिनेटली वर्क हार्ड ऑन इट ऑल्टू मैन जी स्कोर काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला नया भी है अन है तो इसके लिए इसके ऊपर वीडियो बनाना बनता था एंड दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग इट सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज और नोट वो बेल आइकन दबा देना सो so दैट आपको इंटीमेशन आता रहे कोई भी मैं नई चीज डाल रहा हूं एंड डू लाइक द वीडियो सो दैट इट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर टू गेट सिमिलर काइंड ऑफ विडियो चलो स्टार्ट करते हैं ऑन दैट नोट ऑल टू मैन जी स्कोर आप लोग uh, के पास अगर ऑप्टिमाइज है देन इन दैट केस वेल एंड गुड

क्वेश्चन होने के बाद भी एमसीक्यू टाइप को लोग कैसा क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा सो स्टे एंड एनीथिंग एल्स लेट लेट मी नो इन द कमेंट्स चलो ऑन दैट नोट अस स्टार्ट ऑल्ट ऑल्टमैन जेड स्कोर पता है आपको ऑल्टमैन जेड स्कोर क्या बोलता है ऑल्टमैन जेड स्कोर बोलता है कि भाई देखो मेरा जो फॉर्मूला है उसने एक फॉर्मूला दिया क्लासिक फॉर्मूला दिया उसने बोला कि अगर मेरा ये फॉर्म्यूला को तुम लोग ने यूज किया और उस फॉर्म्यूला को यूज करके तुम्हारे को एक नंबर आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे Z score, Z, Z. स्कोर स्कोर इसको ना प्यार से बोलते हैं अमेरिका में क्योंकि वहां पे ये सबसे ज्यादा यूज होता है तो उसने अपना बहुत ज्यादा फाइनेंशियल दिमाग लगाया उसने देखा अराउंड थर्टी कंपनीज को जो बैंक्रप्ट हो गई है उसने टोटल सिक्सटी सिक्स कंपनीज को एनालाइज किया 66 में से उसने देखा कि 33 कंपनीज जो बैंक हो गई है उन लोग में कुछ चीजें उसको कॉमन लगी जैसे उनके कुछ फाइनेंशियल जैसे उनके लिक्विडिटी रेशियोज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रेशियो उनका जो डेट इक्विटी रेशियो था वो सब बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं यू कैन से क्वेश्चन मार्क में था हिला हुआ था बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी रेशियो सो उसने देखा कि यार ये थर्टी थ्री कंपनीज का जो रेशियो है ये कौन से वाले रेशियोज कितना आउट है उसके बेसिस पे उसने एक पूरा इक्वेशन बनाया और उस इक्वेशन में बोला कि बॉस अगर आपका जेड स्कोर 1.81 से नीचे आया मतलब सॉरी बॉस बट आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है डेट आपकी कंपनी डिस्ट्रेस में है

कुछ गड़बड़ है हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपकी कंपनी बंद हो जाए बट अभी भी टाइम है आपके पास ठीक है बट अगर आपका कंपनी 2.99 से ज्यादा है देन इन दैट केस आप सेफ है आप अगले राउंड में जा सकते हैं तो ऐसे एवरी कंपनी यूज ऑल्टरमेट जेड स्कोर टू यूलुएट इट सेल्फ और देखने लगी कि अपना जेड स्कोर क्या आ रहा है जेड स्कोर उसने क्या बेसिस पे बनाया था देखो कंपनीज कंपनी स्कोर मोर देन 2.99 आर फाइनेंशियली साउंड The original data sample used by Altman consisted 66 firms, half of which had already filed for bankruptcy. All businesses in the database were manufacturer with the asset base of dollar 1 million. 1 million means hai dollars lakh dollar or above. Altman found that the ratio profile for bankrupt group. तो, उसने भाई, 2 के है, तो, तो आप एकदम से अपन लोग अभी ब्लड टेस्ट कराने को गए हो तुम लोग ठीक है सो so, जब ब्लड टेस्ट कराने को जाओगे ना तो एक रेंज आता है कि अगर आप टू टू थ्री के बीच में आपका आयरन है देन इन दैट केस इट इज गुड तो आपका टू पॉइंट फाइव आया अच्छी बात है अगर आपका टू आया तो आप बॉर्डर लाइन पे हो ऐसा बोलते हैं तो वैसे ही यहां ही, तो ही खराब था तो वो तो बैंक हो ही गई। बट उसने बोला कि अगर लेस देन पॉइंट एट वन है तो आप ऑन वर्ज ऑफ बैंक के ऊपर हो अगर आप ग्रे लेवल पे हो केस आप संभाल लो अपने आप को तो मैं कंपनी का नाम लेना चाहता हूं जो जिसको ये यूज कर लेना चाहिए था एनी आइडिया एक एडटेक कंपनी जो आज से कुछ महीनों पहले डॉलर ट्वेंटी बिलियन का वैल्यूएशन था आज इट इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ड्स ऑफ फाइलिंग करेक्ट सो को अगर उसने ऑल्टमेन जी स्कोर अपना टेस्ट किया होता देन इन दैट केस उसको पहले ही पता चल गया होता यार शुड मी मी व्हाई डिडंट यू अप्रोच तो मैं आपको बता देता भाई आप डिस्ट्रेस जोन में हो प्लीज संभल जाइए या जब कोविड था ना तब बाइजू था सेफ जोन में फिर वहां से कब वो ग्रे जोन में गया कब डिस्ट्रेस जोन में गया ध्यान रखना पड़ेगा ना आज की तारीख में और एक कंपनी है एक फिनटेक कंपनी है जो कमेंट करके बताओ कि क्या जो इस ग्रे टू डिस्ट्रेस जोन में आ सकती है अगर उसका एनालिसिस करे तो बट अगर विजय शेखर शर्मा मुझे बोलेंगे तो यस पेटीएम दो हजार रुपए में पेटीएम ने अपना शेयर लिस्ट किया था आज चार सौ पांच सौ रुपए भी नहीं है तो ऑब्वियसली सेवेंटी फाइव परसेंट डिक्रीज इन वैल्यू इज ह्यूज सो आपको भी टेस्ट करवाना चाहिए पेटीएम uh, हम देखेंगे आपका जी स्कोर क्या आ रहा है अब जी स्कोर से क्या पता चलता है मुझे मुझे पता चलता है कंपनी का ये देखो ये आपको कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि उसका वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट्स का क्या सीन है जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी परफॉर्मेंस कैसा है टोटल एसेट्स के सामने आपके पास वर्किंग कैपिटल कितना है उसके लिए उसने अपने एनालिसिस के बेसिस पे वो एनालिसिस के अपन बहुत ज्यादा इनडेप्थ नहीं जा रहे बट उसके लिए उसने को एफिशियंट दिया वन पॉइंट टू फिर बाद में उसने बोला कि रिटेन अर्निंग्स मतलब आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी कितना है आपकी कंपनी का उसको उसने को दिया वन पॉइंट फोर तो ऐसे वन पॉइंट टू एक्स वन प्लस वन पॉइंट फोर एक्स टू प्लस थ्री पॉइंट थ्री एक्स थ्री जो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स शुड बी वेरी वेरी हाई अकॉर्डिंग टू हिम सो उसको उसने थ्री पॉइंट थ्री का फिक्स्ड कोएफिशिएंट दिया तो कोई भी कंपनी का आपको इवेलुएट करना है ऑल्टरमेट जेड स्कोर निकालना है तो वन पॉइंट टू वही रहेगा एक्स वन हर एक कंपनी का चेंज होते जाएगा

थर्ड उसका एनालिसिस था रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एफिशिएंसी विच आई टोल्ड यू इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स नेक्स्ट फिर बाद में इन लाइन आ गया मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन टोटल लायबिलिटीज जो बताता है कि भाई अपना ओवरऑल लायबिलिटीज के सामने कितना इक्विटी है तो डेट के बारे में थोड़ा आईडिया आ जाता है इससे अपने को एंड द लास्ट इज टोटल सेल्स अपॉन सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स जिससे प्रोडक्टिविटी के बारे में पता चलता है कि भाई एसेट से कितने मैं सेल्स जनरेट कर पा रहा हूं 1.2 1.4 1 3.3 0.6 एंड 1.0 आर प्री डिफाइंड वेट्स आर प्री डिफाइंड कोएफिशिएंट्स ठीक है तो वो ध्यान में रखना है नाउ ऑल्टमैन जी स्कोर अब मैं एक बार पढ़ रहा हूं ध्यान देंगे आप लोग सब लोग ऑप्टिमाइज्ड ओपन कर लेंगे राइट right? चलो लेट्स फोकस इन 1968 एडवर्ड ऑल्टमैन सजेस्टेड स्कोर मॉडल अब ये इनका फर्स्ट नहीं था इसके पहले एक पर्सन था मिस्टर आर ए फिशर इन्होंने सिमिलर लाइंस के ऊपर काम चालू किया था कैसे यहां पे आप लोग के मल्टीपल रेशियोज को आप टेस्ट कर रहे हो एक ही इक्वेशन में एंड यू आर गेटिंग अ जेड स्कोर वैसे आर फिशर ने भी कुछ रेशियोज निकाले थे बट वो मल्टीपल रेशियोज नहीं थे वो इंडिविजुअल रेशियोज के बेसिस पे डिटरमाइन करना था उन्होंने अल्टमैन ने ये सारे आर फिशर के रेशियोज को और अपना ऑब्वियसली खुद का एनालिसिस uh, के बेसिस पे एक और अच्छा प्रॉपर रेशियो का वर्किंग बनाया एंड दैट इज वॉट ही गेव टू द वर्ल्ड टू डिटरमाइन के बॉस अपने को यू नो वेदर वी आर ऑन द वर्ड्स ऑफ बैंक्रप्सी और नॉट Edward Altman suggested the Z score model predict, to predict the profitability, probability that a firm will go into bankruptcy within the next two years when he was an assistant professor at New York University of Finance. It is worth noting that Altman's Z score is a customized version of discriminant analysis technique by R.A. Fisher.

फाइव की रेशियोज अ सिंगल डिस्क्रिमिनेटरी स्कोर कॉल्ड एजी स्कोर स्कोर्स को कंबाइन करके एकटेड बाई कैलिंग मल्टीप्लाइड प्रीडिमाइंडल डिस्क्रिमिनेट स्कोर और ये जो जी स्कोर है इस टेबल के साथ फिर मैं कंपेयर करूंगा एंड देन आई विल टेक माय डिसीजन

समझ में आया इधर तक अपने को कि क्या इंटेंट है जी स्कोर का अब एक एग्जाम्पल के थ्रू क्यों ना ये जी स्कोर को समझ लिया जाए एंड सॉल्व कर लिया जाए सो दैट इफ इट कम्स इन एग्जामिनेशन वी आर सेफ एंड सिक्योर चलो लेट्स स्टार्ट चलो लेट्स बिगिन न्यूमेरिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑल्टमैन जी स्कोर मॉडल सिग्मा कास्ट एंड पिग मोल्डर एस सी पी बीन इन द बिजनेस ऑफ मोल्डिंग कास्ट एंड for more than a decade. SCPM is listed on the National Stock Exchange and market value of equity is seven thousand crores. क्या मेरे को market value of equity की जरूरत पड़ती है यहाँ पे? The answer is yes, sir. X4 four में market value of equity चाहिए. तो ऐसे है ना आपने को एक-एक चीज identify करके लिखते जाना है. आओ मैं तुम लोगों को है ना एक बार एक-एक यहाँ पे लिखवा देता हूँ as a sum. So it will be really really helpful to you. So अपन लोग कर रहे हैं ये question. बेस्ड ऑन ऑल्ट मैन जी स्कोर ठीक है ये आपको मिलेगा पे भाई हाँ, टू 8.25 थ्योरी वाली बुक में याद रखना कॉन्सेप्ट वाली जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन है आपका पेज 8.25 के ऊपर लेट्स स्टार्ट ठीक है फॉर्मूला अपने को पता है सो लेट्स राइट ऑन द फॉर्मूला सर फॉर्मुला याद रखना पड़ेगा क्या 101 एंड वन परसेंट कोई डाउट ही नहीं है सीधी सी बात है राइट सो वॉट इज योर जी स्कोर वो मैं इधर लिख देता हूं योर जी स्कोर इज गोइंग टू बी वन पॉइंट वन पॉइंट टू एक्स वन जब ये आ जाएगा तो इधर लिख देंगे प्लस वन पॉइंट फोर एक्स टू प्लस थ्री पॉइंट थ्री एक्स थ्री प्लस पॉइंट सिक्स एक्स फोर एंड प्लस वन पॉइंट जीरो एक्स फाइव So, जैसे जैसे ये नंबर आते जाएंगे वी विल राइट यर फाइनली वी विल गेट वॉट इज आर जी स्कोर ठीक है तो सबसे पहला इधर मैंने देखा है वो लोग ने लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो मैं यूज करने वाला हूं आगे सो so, इधर लिख देता हूं मैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना दिया है एंड इट इज गिवन एज सर सेवन थाउजेंड क्रोप्स इट इज गिवन एज सेवन थाउजेंड क्रॉप डन सर नेक्स्ट अब मैं क्रोर्स नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज इट इज अज्यूम्ड कि वो सब चीज क्रोर्स ही है Next, the total assets are worth 3, क्या total assets मुझे चाहिए और लेकर बैठे हो तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए ही बाकी आपकी इच्छा नेक्स्ट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी सॉरी वाइल वर्किंग कैपिटल ऑफ फोर थाउजेंड टू हंड्रेड तो पहले सबसे पहले है ना

8,300 crores. so, yahape, we will write down total sales of 8,300 crores. but with a recent loan taken to facilitate automation, investors are skeptical about the sustainability and hence want to know how it is doing. okay. their liabilities stand at 5,000 crores. do we need the liability? yes, sir.

पेटीएम के साथ चल रहा है तो ये लोग क्या बोलते हैं आप ऑल्टोमैन से निकाल लो और देख लो हमारा क्या पोजिशन है ठीक है तो हम लोग ने पहले यह फॉर्मूला लिख लिया अब इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग यूज करते जाएंगे एक्स वन क्या बोलता है तो आज वो फटाफट देखते हैं बोलता है अपॉन टोटल एसेट्स क्या मेरे पास वर्किंग कैपिटल है फोर थाउजेंड टू हंड्रेड क्या मेरे पास टोटल एसेट्स है थ्री थाउजेंड सो इमीजिएटली मैं यहाँ पे लिख लूंगा फोर थाउजेंड डिवाइड बाय थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड जैसा कि यहाँ पे वो लोग लो ने

डिवाइड by थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड बोलो बोलो टेल टेल कितना आता है फटाफट कैलकुलेटर्स एवरीबॉडी एंड इट इज वन पॉइंट टू सो वन पॉइंट टू इंटून टू आप ऐसे का ऐसे भी रख सकते हो होंड्रेड बाद में भी करना है तो भी कर सकते हो सो इट विलू विच इज वन पॉइंट फोर फोर सो ये हो गया टेकिंग इनटू अकाउंट दिस ये हुआ पहला दूसरा दूसरा क्या बोलता है एक्स टू क्या बोलता है भैया एक्स टू इज रिटर्न अपॉन टोटल एसेट्स लिखा हुआ सो रिटेन टोटल अपॉन टोटल एसेट्स रिटर्न अर्निंग एट हंड्रेड टोटल एसेट थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो एट हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड पॉइंट टू 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 में कुछ आ रहा है इन टू वन पॉइंट फोर अगर मैं करता हूं तो इट इज पॉइंट थ्री टू सो इधर मैंने लिख लिया पॉइंट थ्री टू ठीक है सो आई होप अपने को चीजें समझ में आती जा रही है डन नेक्स्ट के ऊपर आते हैं थर्ड के ऊपर आते हैं थोड़ा इधर तो जगह बना देते हैं थर्ड मेरा है यस yes, सर याद रखना पड़ेगा ये हंड्रेड एंड वन परसेंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसको थ्री पॉइंट थ्री का वेटेज दिया हुआ है बॉस सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट टोटल एसेट तो अपने को पता ही है थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपने पास है सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड इट इज वन पॉइंट एट फाइव सेवन इन टू थ्री पॉइंट थ्री मैं कर देता हूं तो सिक्स पॉइंट वन थ्री सिक्स पॉइंट वन थ्री चलो नेक्स्ट एक्स फोर को लेते हैं एक्स फोर क्या बोलता है बॉस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन टोटल लाइबिलिटीज हा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन टोटल लाइबिलिटीज एंड तक देखना कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है जो बताऊंगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या अपने को दिया हुआ है द आंसर इज यस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज सेवन थाउजेंड अपन लाइबिलिटी फाइव थाउजेंड सो सेवन थाउजेंड डिवाइड बाई फाइव थाउजेंड सो सेवन थाउजेंड डिवाइड बाय फाइव थाउजेंड इज वन पॉइंट फोर इन टू पॉइंट इज पॉइंट एट फोर एंड लास्ट इज वन इंटू लास्ट मेरा है इंटू एक्स फाइव ये एक्स है वो ध्यान रखना वो X है एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड अपॉन टोटल एसेट्स इज थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो एट थ्री जीरो जीरो सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स

प्लस टू पॉइंट थ्री सेवन एक बार फटाफट आप लोग भी कैलकुलेशन चेक कर लो यार एंड ये आ रहा है इलेवन यस सो मेरा ऑल्टमैन जी स्कोर आ गया है इलेवन पॉइंट वन एग्जामिनर पूछेगा आपको ये यू शुड नो इट एग्जामिनर इंडिविजुअली आपको ये भी पूछ सकता है इफ दिस क्वेश्चन वॉट इज एक्स वन एक्स वन इज वॉट वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट मैं आपको वही बोल रहा था कि ध्यान से एंड तक सुनना बिकॉज खाली आंसर लाना ही सब कुछ नहीं है अभी एमसीक्यू बेस्ड है तो एमसीक्यू क्या क्या टाइप का पूछ सकता है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं ऑल्ट ऑल्टेन जी स्कोर बोलता है इलेवन पॉइंट वन एनीथिंग अबाउट टू पॉइंट नाइन नाइन इज डेफिनेटली एक्सेप्टेबल बिकॉज दैट शोज दैट वी आर सेफ

चलो डन विद दिस कंप्लीट ऑल्टमैन जी स्कोर समझ लो आपका आठ से दस मार्क आपके पॉकेट में आ गया है एनालिसिस ऑफ जी स्कोर फाइनेंशियली साउंड स्कोर ऑफ इलेवन पॉइंट पॉइंट जीरो सेफ जोन हेंस इन्वेस्टर्स कैन कम कंफर्टेबली वर्ड देखो टॉस देयर फियर्स रिगार्डिंग बैंक so that is उ द होल सिस्टम वर्क अब अलग अलग alag है से फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइवेट फॉर्म हुआ ठीक है प्राइवेट फॉर्म के लिए थोड़ा सा को एफिशियंट अलग हो जाएगा और बाकी वर्किंग सेम रहेगा बस को एफिशियंट अलग हो जाएगा फिर कोई नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हेलो कोई नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके लिए को अलग हो जाएगा तो ऐसा है so, अगर कोई नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुई या अगर कोई प्राइवेट कंपनी हुई तो उनके लिए थोड़ा अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लिस्टेड कंपनीज के लिए ऑल्टमैन ने जो ये दिया है दैट इज मोर देन मोर देन देट आई होप समझ में आ गया होगा जब आएगा एग्जाम में और मार्क्स लेकर आओगे याद कर रहा मत भूलना मेरी आवाज गूंजनी चाहिए और फॉर्मूला जो इधर मैंने लिखा है इसको प्रॉपरली समझ लो इसको प्रॉपरली समझ लो ठीक है अगर आपको बहुत एक्सटेंसिवली याद करना है तो एक टेक्निक दे रहा हूं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव और फिर यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो भाई क्या लिख सकते हो सर कि भाई अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हुई हेलो अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हुई तो उसका कोएफिशिएंट्स क्या है वन पॉइंट टू ऑल ऑफ दैट देन प्राइवेट कंपनी हुई तो उसका कोएफिशिएंट क्या है और अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुई तो उसका कोएफिशिएंट क्या है सो so, भी अगर ये जैसे प्राइवेट कंपनी है तो उसका को एफिशियंट है पहला वाला पॉइंट सेवन वन सेवन तो ये पॉइंट सेवन वन सेवन आ गया नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स तो ऐसे एक पूरा चार्ट बना सकते हो एंड देन यू कैन मैनेज फॉर योरसेल्फ। बाकी सम अगर आया फटाफट जो आपके पास रफ शीट होगा उसमें ये पांच चीज ये जो सात चीज है वो लिख लो फटाफट कैलकुलेशन जाएगा फिर आपको वो जो एमसीक्यू पूछेगा यू विल बी इजीली एबल टू मैनेज इट विदाउट एनी सो एवर अच्छा एवरीबॉडी ऑल्टमेन जी स्कोर ओके देन सो कैसा लगा आपको ये सेशन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स डेफिनेटली शेयर इट विद समबडी जिसका एग्जाम बाकी है आने वाले कुछ दिनों में ट्रस्ट मी यू ट्वेंटी आपको और ऐसे जो भी कनेक्टेड वीडियोज है वो आप लोग को फिर मिलते रहेंगे बाई डिफॉल्ट एंड ना वो नोटिफिकेशन वाला टैब ऑन रखना है सब्सक्राइब करके रखो मिलते रहेंगे और ज्ञान देते रहेंगे आपको आपको और क्या चाहिए लेट मी नो Hasta la vista. Keep smiling. Thank you so much. Take care. Bye-bye.